जिले के सेगांव में राज्य में डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। आम जनजीवन पर पड़ रहा है इसका असर। बुधवार को मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य में डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम रीडर PS डुडवे को सौंपा। ज्ञापन का वाचन करते हुए संजीव पाठक ने बताया कि एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी की मार और दूसरी ओर अब लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही वृद्धि की मार एक तरह से आम लोगों के लिए चौतरफा मार कही जा सकती है, क्योंकि महामारी के चलते कई दिनों तक लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक वन लागू होने के बाद जहां लोग पटरी पर आने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रहे इजाफे से एक तरफ से आम जनमानस को झकझोर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट की हालत बनी हुई है, तब इसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर एक सप्ताह के भीतर डीजल तथा पेट्रोल के दामों में केंद्र सरकार द्वारा 3 से 4 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वृद्धि आने वाले दिनों में जारी रहेगी। इन तमाम हालातों के चलते कहा जा सकता है कि केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार अपने खजाने भरने के लिए आम लोगों की परवाह नहीं कर रही है। इसके चलते आम जनमानस की बजट तथा बढ़ती हुई महंगाई की चिंता सरकार को नहीं रह गई है। इस कार्यक्रम में राजेंद्र मंडलोई, नच्चू भाई पटेल, काशीराम यादव, पंडू सेठ, अशोक गुप्ता आदि मौजूद थे। सेगांव से अजय पालीवाल की रिपोर्ट। लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब 6 तारीख से बहुत काफ़ी बढ़ रहा है और आज की स्थिति, आज की 6 तारीख में डीजल का मूल्य है 80.46 रुपये। डीजल चूंकि किसानों की से ज़्यादा जुड़ा है, डीजल की मूल्यवृद्धि के कारण जैसे अभी ट्रांसपोर्ट है, जो सामान आता है, जो भाड़ा वगैरह ये बढ़ता जा रहा है, इससे आम जनता को काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है और उससे महंगाई भी बढ़ रही है। इस डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा है और क्योंकि मध्य प्रदेश में वेट टैक्स बहुत ज़्यादा है अपने अन्य राज्यों की तुलना में, तो वेट टैक्स अगर कम करें तो कुछ राहत मिल सकती है। और चूँकि डॉलर का मूल्य अभी वर्तमान में काफ़ी कम है, तो वैसे भी इसका मूल्य कम होना चाहिए और डीजल और पेट्रोल मेरे ख्याल से 10-10 रुपये से ज़्यादा मूल्य बढ़ चुके हैं। इसको जो मूल्यवृद्धि की गई है राज्य सरकार वेट टैक्स से कम करके तत्काल इसको वेट टैक्स से कम करें। और क्या नाम लिखता है? राजेंद्र सिंह मंडल।